हरि ओम सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों, आज हम तृतीय पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर को करेंगे। प्रश्न एक, रिक्त स्थाने उचित पदम लिखते, यानी रिक्त स्थान में जो उचित पद हैं वो हमें लिखना है। जैसे अ, अ के अंदर पांच आए हुए हैं, इनका जो उचित पद हमें लिखना है। जैसे उदाहरण में बताया हुआ है, हस्त, इसका हस्ते बना है। इसी प्रकार शेष अपन को करने हैं, विद्यालय, तो इसका हो जाएगा विद्यालय। दंत, इसका हो जाएगा दंते। आपण, इसका हो जाएगा आपणे। ग्राम, इसका हो जाएगा ग्रामे। अब भैया बहन मेरे साथ अ का अनुवाचन करेंगे। हस्त, हस्त, हस्ते, हस्ते। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालये, विद्यालय। दंत, दंत, दंते, दंते। आपण, आपण, आपणे, आपणे। ग्राम, ग्राम, ग्रामे, ग्रामे। आ, नगरम का नगरे हुआ है। ठीक इसी प्रकार हमें शेष शब्दों का अभ्यास प्रश्न में रिक्त स्थान भरने हैं। भवनम, भवने। ग्रहम, ग्रहे। वनम, वने। मंदिरम, मंदिरे। अब भैया बहन मेरे साथ इसका अनुवाचन करेंगे। नगरम, नगरम, नगरे, नगरे। भवनम, भवनम, भवने, भवने। ग्रहम, ग्रहम, ग्रहे, ग्रहे। वनम, वनम, वने, वने। मंदिरम, मंदिरम, मंदिरे, मंदिरे। ई, वाटिका का वाटिकायाम हुआ है। ठीक इसी प्रकार से पेटिका, पेटिकायाम। जीवा, जीवायाम। नासिका, नासिकायाम। पत्रिका, पत्रिकायाम। अब भैया बहन मेरे साथ अनुवाचन करेंगे। वाटिका, वाटिका, वाटिकायाम, वाटिकायाम। पेटिका, पेटिका, पेटिकायाम, पेटिकायाम। जिह्वा, जिह्वा, जिह्वायाम, जिह्वायाम। नासिका, नासिका, नासिकायाम, नासिकायाम। पत्रिका, पत्रिका, पत्रिकायाम, पत्रिकायाम। तो अभी भैया बहन अपनी नोटबुक में तृतीय पाठ के अभ्यास प्रश्न ए के अ आ तथा ई अपनी नोटबुक में करेंगे और शेष भाग का अध्ययन हम अगले कलांश में करेंगे। धन्यवाद।